सो हे गाइस, कैसा हो तुझ लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और गाइस, जरा हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं कार पार्किंग मल्टीप्लेयर। और गाइस यार, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि गाइस यार अपने चैनल पे 6000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और गाइस यार, जो आपने प्यार और सपोर्ट दिखाया है ना भाई, लिटरली बता रहा हूँ, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ। बट हाँ, आपके पास जो थैंक्स बोल रहे हो वो थोड़ा अलग बोलेंगे, थारा भाई जोगिंदर के स्टाइल में। सो गाइज, आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स मेरे दिल से। ये थारा भाई जोगिंदर तुमको थैंक्स बोलना चाहता है। अब ये सब बातें छोड़ते हैं भाई, ठीक है। अभी देखो, आज की जो गेम प्ले वीडियो है इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। और गाइज यार, इस गेम की सीरीज़ को मैंने किसी कारण की वजह से रोक दिया था। अब वो कारण क्या था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं एक्चुअली में इस वाली गेम में क्या कुछ करूँ, क्योंकि मैंने इस वाली गेम में काफ़ी सारी कार्स बाय कर रखी हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, जो भी महंगी महंगी कार्स हैं वो सारी की सारी बाय कर रखी हैं। और साथ साथ में यहाँ पे मेरे पास अभी कैश, आप देख सकते हैं मेरे पास 4.2 मिलियन कैश अभी पड़ा हुआ है, ठीक है। सो फिर मेरे पास एक भाई का कमेंट आया कि ब्रो, तुम इसमें घर खरीद सकते हो यार, घर जाके खरीदो, कंटेंट आपको अपने आप ही मिलते रहेंगे। मैंने सोचा कि हाँ यार, बंदे की बात में दम है। सो हम एक काम करते हैं, आज की इस गेम प्ले वीडियो में ना, हम जो कौन सा भी महंगा घर रहेगा ना भाई, वो अपने लिए बाय करेंगे। पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, अभी बैठा बैठा यहाँ पे मैं 3 से 4 गाड़ियाँ मिलियंस के हिसाब से बाय कर सकता हूँ। बट अभी मैं एक घर बाय करूँगा जो सबसे महंगा रहेगा, और हो सकता है हम 2 घर बाय कर ले, पैसा बहुत है भाई। अब इसमें 3 घर हैं एक्चुअली, अगर देखा जाए तो इसमें 3 घर हैं जहाँ तक मुझे पता है। अब 3 घर में से मैं सिर्फ और सिर्फ 2 घर को बाय कर सकता हूँ, क्योंकि जो तीसरा घर है वो काफ़ी अच्छा घर है, काफ़ी मस्त है भाई, लिटरली बता रहा हूँ भाई, बहुत खतरनाक घर है। बट उसको बाय करने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। अब वैसे तो मैं बहुत अमीर हूँ, ठीक है, मतलब रियलिटी नहीं बता रहा हूँ, मैं गेम की बात कर रहा हूँ। बाकी देखा जाए तो यार, वो पैसे में बाय करना पड़ेगा वाला घर, ठीक है। अब गेम के ऊपर पैसे लगाना वो एक बेवकूफ़ी रहेगी मेरे हिसाब से, ठीक है। सो अब ये काम करता है, गाड़ी का आप कलर बता देना, क्योंकि आज मैं अपने साथ रखूँगा थार, क्योंकि थार चलाने में ना एक अलग ही लेवल की फीलिंग आती है। आप गाइस यार, इस वाली गाड़ी का जो कलर है वो आप बता देना, क्योंकि इसमें ब्लैक भी ज़्यादा अच्छा लगता है। सो मैंने सोचा कि अब मैं ब्लैक चलाता तो हूँ, तो आज ही काम करते हैं, आज अपनी गाड़ी को रेड करते हैं, और आज भाई गाड़ी को दौड़ाने वाले हैं। सो एक काम करते हैं, बैक चलते हैं और हम चलाते हैं ऑनलाइन में, हम जाएंगे सीधा, देखते हैं कौन से मैप में जाने वाले हैं। मुझे जहाँ तक याद है कि हमको 2 मैप में घर मिलते हैं। सबसे पहले तो हम चलते हैं CT2 में, क्योंकि CT2 में एक मैप, मतलब मैप तो है ये, बट हाँ इसमें एक घर है और उसको जाके बाय करने वाले हैं। बाकी देखते हैं कि कौन सा घर सबसे बेस्ट रहेगा अपने लिए, और लोकेशन भी चेक कर लेंगे कि कौन सी लोकेशन पे अपना घर रहेगा। अभी यहाँ पे मेरी गाड़ी आ चुकी है, तो इसको मैं सीधा रोड पे लेके चलता हूँ। और ग्राफिक्स को भाई, मैं ग्राफिक्स यार हाई करो भाई, इसके ग्राफिक्स ऐसे मज़ा नहीं आएगा गेम को खेलने में। हाँ, थोड़ा बहुत हीटिंग प्रॉब्लम होगा, देखो ठीक है, फ्रेम रेट 120 रहने देते हैं, सब कुछ हाई कर दो ना, फ़ोन का फ़ायदा ही क्या जो भाई मैं सब हाई ग्राफिक्स पे गेम को नहीं खेल रहा हूँ। यहाँ पे जो मोशन ब्लर है, इसको मैं भाई हमेशा के लिए बंद ही रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि हाँ भाई, आप देख, अब आए ना, अच्छी फीलिंग आई है ना, अब गेम खेलने में ज़्यादा मज़ा आएगा। सब एक काम करते हैं, बातें बाद में करेंगे, तो हम एक बार गाड़ी के अंदर बैठते हैं, मज़ा बहुत आता है भाई थार चलाने में। सो हाँ, हमें आपको बता दें तो जो घर है वो है, एक तो ये रहा, ठीक है, पहला घर तो ये रहा, इसको हम अभी जाके चेक करने वाले हैं। और जो दूसरा घर है वो है यहाँ पे, ये रहा देखो, ठीक है, एक घर ये रहा। अब आई डोंट नो इसमें कोई और भी घर ऐड कर दिए गए हो, एक ये रहा, ठीक है, ये 3 घर हैं इसमें, इसके अलावा यहाँ पे कोई घर है, एक बार चेक कर लेता, क्योंकि मुझे पता नहीं कि नए अपडेट में कोई घर ऐड कर दिया होगा, मे बी नहीं, और कोई घर ऐड नहीं किया, तो कोशिश करते हैं। या देखो, तीसरा घर लेने की औकात नहीं है, ये वाला घर जो है इसको लेने की औकात नहीं है। हाँ, तो हम इस वाले घर पे भी एक बार जाके देखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोशिश करूँगा, कोशिश नहीं बट ले ही लेंगे, देखते हैं, जो महंगा रहेगा तो थोड़ा सोच समझ के लेंगे, जो थोड़ा सस्ता रहेगा तो भाई सोचने की कोई सवाल भी पैदा नहीं होता, ठीक है। कंट्रोल कैसे हो गए भाई इसके, लेटर करो, कंट्रोल बहुत ज़्यादा बेकार हो चुके भाई। एक ये वेट, ग्राफिक्स में मैंने कुछ किया है क्या, फ्रेम रेट इतना कम क्यों हो गया भाई। ओके, सभी काम करते हैं। हाँ भाई, इसके जो कंट्रोल है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा वो लग रहे हैं, हाई लग रहे हैं। अब हाई भी लगेंगे क्योंकि मैं इस वाली गेम को काफ़ी टाइम के बाद खेल रहा हूँ। अरे हाँ, और आप ये बता देना, अगर आपको इस वाली गेम में कॉइंस इकट्ठे करने हो, मतलब पैसे चाहिए, और आपको पैसे कमाने का आइडिया नहीं पता है कि आप कैसे कमा सकते हो, तो आप मुझे बता देना कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो इसी के ऊपर आ जाएगी, कि आप पैसे कैसे कमा सकते हो। भाई मैंने वैसे ही थोड़ा ना यार नॉर्मली पैसे इतने ज़्यादा कमा लिए,
बट अभी मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मुझे गुस्सा आ रहा है भाई, मैं गाड़ी नहीं ठीक से चला पा रहा हूँ। मैं स्टीयरिंग थोड़ा सा मोड़ता हूँ बट काफ़ी अच्छा खासा ये कट ले लेते हैं। चलो हाँ, ये देखो भाई बहुत गंदा हो रहा है भाई। चलो कोई बात नहीं, अभी मर मुर के जैसे कैसे करके हम अपने घर पे आ चुके हैं, ठीक है। अभी ड्राइविंग पे मत जाना क्योंकि मैं खतरनाक ड्राइवर हूँ, ठीक। अच्छा बट कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। तब एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। 8 लाख है ये घर, बस 8 लाख लिटरली भाई। एक काम करते हैं, मैं इस सारे घर को बाय कर लेता हूँ भाई, एक मिनट बैक जाके फिर आएंगे आगे। ओके सभी जल्दी चलते हैं साले घर को बाय कर लेते हैं। ओके सो गाइस, यार अपना जो ये वाला घर है वो बाय हो चुके, एक बार बाहर से देखते हैं भाई लुक। ओके ओके सो गाइस, यार घर की जो लुक है वो काफ़ी अच्छी आ रही है। बट अरे मुझे आगे जाना है, घर में जा सकता हूँ ना मैं उतर के? चलो एक बार घर में चल के देखते हैं। अपनी गाड़ी को ना यहाँ पे पार्क कर देते हैं, अब ये गैराज खुल जाएगा। नहीं वो तो देखने से ही पता लग रहा है, लिटरली उतारो भाई। ओके सो अभी एक काम करते हैं, जल्दी से चलते हैं इसके अंदर घर के। भाई मैं फर्स्ट टाइम घर के अंदर जाने वाला हूँ अपने। ओके मतलब घर काफ़ी अच्छा है, अच्छा खासा है। ये किचन है और ये क्या है, ये आई थिंक गेस्ट रूम है। सो गेस्ट तो क्या ही, मेरे चोमू फ्रेंड ही आएंगे बस इसमें। ओके ये किचन है, किचन में हमको कुछ काम नहीं है। ये खोल मान सकते हैं, गेस्ट रूम ही बोल लो इसको। बेडरूम बताओ भाई मुझे, बेडरूम कहाँ पे है? वेट ओके, ऊपर साइड पे भी हम जा सकते हैं, लेट्स गो ऊपर चलते हैं। और ऊपर साइड पे बाथरूम है। हाँ वेट भाई, मैं एक बच्चा हूँ क्या जो इसमें पढ़ूंगा? अलग लेवल है भाई। वाह एक डॉग डॉग है इस वाली गेम में, वैसे वैसे इस वाली गेम में डॉग है। हाँ है, जो महंगा घर है ना उसमें भाई डॉग है। ओके सो अपने लिए ये रहा देखो कमरा एक। ओके ये काफ़ी अच्छा कमरा है। सब एक काम करते हैं, यहाँ से ना अपनी गाड़ी के पास चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और अब निकलते हैं दूसरे घर की तरफ, ठीक है। सो अभी जल्दी से चलते हैं। वेट सबसे पहले जो मैं ग्राफिक्स है ना इसके थोड़े बहुत ना कम कर लेता हूँ क्योंकि जो गेम है ना वो थोड़ी बहुत लैग हो रही है। अब लैग होने का रीज़न जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, क्योंकि मेरे फ़ोन की जो वो है स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा भर रखी है। अब मैंने सब कुछ जो है वो ठीक करके भी देख लिया बट आई डोंट नो यार ये क्यों नहीं कम हो रही, क्योंकि जो ऐप्स हैं ना मेरे फ़ोन में उनका जो डाटा है ना वो बहुत सारा है और वो डाटा मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मेन है, तो मैं उस सारे डाटा को खोना नहीं चाहता। सो दैट्स वाई ऐसा हो रहा है। सो अब ये काम करते हैं, गाड़ी को जल्दी से भगा के चलते हैं सीधा वहाँ पे दूसरे अपने घर पे, और वहाँ पे जाके ना ये घर बाय करने वाले। बट वेट, अपने आसपास पैसे हैं क्या? नहीं पैसे नहीं है। सो अब जाने वाले हैं हम इस वाले घर पे, और यहाँ पे जाने के बाद ये वाला घर भी बाय कर लेते हैं और कोशिश करेंगे लास्ट वाले घर पे भी एक बार चल के देखें, क्या पता वो पैसों का मिलने लग गया हो। लेट्स गो, अरे अंदर बैठना। ओके सभी गाड़ी को चलाते हैं और थोड़ी वो प्रैक्टिस भी हो जाएगी मेरी, इतना मैं वहाँ तक जाऊँगा। और आज तो भाई मैं थार ही चलाने वाला हूँ और कोशिश करेंगे कि एक दो बंदे के साथ रेस भी लगा के देखें। ओके सो जो अपनी गाड़ी है उसमें मैंने टर्बो टूर्बो सब कुछ खतरनाक लेवल का पुआ रखे है, टायर भी डलवा रखे हैं स्पोर्ट्स के नहीं सॉरी उसके ऑफ रोड टायर है। सो हम इसको ना एक बार ऑफ रोड में भी ले जाके देखेंगे कि अपनी जो गाड़ी है वो किस तरीके से परफॉर्म करती है वहाँ पे। सो अभी मैं अपनी गाड़ी को चला तो रहा हूँ अच्छे तरीके से, बस एक्सीडेंट जो है वो काफ़ी खतरनाक हो रहे हैं। चलो अभी जल्दी चलते हैं घर पे, और वहाँ पे जाने में ना काफ़ी टाइम लगने वाला है कि जिस हिसाब से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स गो, अभी जल्दी से पहुँचते हैं घर पे। सो ऑलराइट गाइस, जरा अभी देखो मैं इस सिटी में आ चुका हूँ। अब ये सिटी बोल लो या फिर एक टाउन बोल लो, वैसे तो ये टाउन ही है क्योंकि सिटी तो भाई बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। और अभी एक काम करते हैं, सीधा चलते यहाँ से लेते हैं अपना लेफ्ट। और सच्ची बता रहा हूँ भाई, आज गाड़ी ने ना हालत टाइट कर रखे भाई, सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि इतने दिनों के बाद मैं खेल रहा हूँ। बट ये वाला घर मुझसे उसे महंगा लग रहा है क्या? नहीं ये वाला घर उस वाले घर से बहुत सस्ता है भाई। एक काम करते हैं, गाड़ी को बैग लगाते हैं और अब की बार हम नीचे उतरेंगे और अब इस वाले घर को देखते हैं। लेट्स गो, हाँ ये वैसे लग भी रहा है यार, काफ़ी छोटा घर है। बट डोंट वरी, हम ये वाला घर भी बाय करने वाले भाई, पैसों की कोई कमी नहीं है मेरे पास इन गेम में। बात करूँ अगर मैं तो एक काम करता है, अपने इस वाले घर में भी एक बार चल के देखेगा। बाकी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि देखा जाए तो मैं एंटर नहीं कर सकता क्या अपने घर में? ये गलत हो जाएगा। ओए हाँ जा सकता हूँ। ओके ये गेस्ट रूम है सामने, ये एक हॉल है बड़ा सा जो कि काफ़ी अच्छा है यार,
मुझे ये ऐसा ही लग रहा है जैसे पिछले वाले घर से अच्छा खासा घर है ये। यहाँ पे किचन है, यहाँ पे एक डोर तो है बट मैं इस वाले डोर को ओपन कर सकता हूँ। याप, ये पीछे साइड से। ओके, अगर बाय द वे ये मानो कि हमारा जो हमारे कोई फ्रेंड हमको मारने आ रहे हैं तो हम यहाँ से निकल सकते हैं बाकी नॉर्मली। ओके, ये पता नहीं ये अंडर बेस है, बेस है क्या, ये बेसमेंट है क्या? नहीं, मुझे लगा बेसमेंट है भाई, नीचे जा सकता हूँ मैं। ओके, और ये क्या है? ओ यप, यहाँ से ये बंद पड़ा है, ये खाली कमरा है। एक काम करेंगे, यहाँ पे हम ना कुछ लेके आ जाएंगे, बट हाँ जो जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ ना वो हिसाब से ही हो नहीं सकता क्योंकि GTA 5 या फिर GTA San Andreas नहीं है। और यहाँ पे ये भी एक होल है या फिर बांध सकते गेस्ट रूम, और ये दोनों के दोनों डोर ओपन हो जाते हैं। भाई कसम से बता रहा हूँ, मुझे उस वाले घर से बढ़िया घर और बहुत बड़ा घर ये वाला लगा क्योंकि एकदम खुला खुला सा घर है और साथ साथ में देखा जाए इसमें काफ़ी अच्छी अच्छा कुछ है, मतलब सब कुछ एकदम समझ में आता है और 3 स्टोरी है ये। और एक बार ला ऊपर भी चल के देख देते हैं। ऑल राइट, जो ये नेचुरल वाइब आती है ना भाई इस गेम में, कसम से भाई ये एकदम नेक्स्ट लेवल। ओके, यहाँ पे अपना बैठ के मस्त यहाँ पे अपने चिल कर सकते हैं भाई। सूरज कहाँ पे भी? वो सिर के ऊपर है क्या? चलो एक काम करें, गाड़ी के पास चलते हैं। ओके, सो अब ये काम कर रहे हैं ना, लगे हाथ में तीसरा घर भी एक बार चेक कर लेता हूँ। हो सकता है कि ये पहले से ज़्यादा वो हो गया, मतलब कि थोड़ा पैसों में मिलने लग गया हो मे बी, या फिर ऐसा कुछ हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एक काम करते हैं, गाड़ी को अपना बैग घुमाते हैं और जल्द चलते हैं अपने तीसरे घर पे और उसके भी हाल चाल एक बार देख। न्यू फूल बोल रहा था मैं। ओके, तो हमने यहाँ पे वेट, फ्यूल तो ले लिया, अभी यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत है। ओके, सो अभी हम यहाँ से चलते हैं, राइट से निकालते हैं गाड़ी को। सच्ची बता रहा हूँ यार, गाड़ी चलाने में ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, मजाक नहीं मैं बोल रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ। ओके, ये देखो ऐसे घूम जा रही है भाई ये। चलो डोंट वरी, अभी चलानी तो पड़ेगी भाई क्योंकि आज मैं इसी में ही खेलने वाला हूँ सब कुछ। चलो अभी जल्दी से चलते हैं, अपनी गाड़ी को तेज़ भगाते हुए लेके चलते हैं वहाँ पे। ये घर ही है ना देखो, हाँ घर है तो यार ये घर ही है। चलो एक काम करते हैं, एक बार ना उतर के जल्दी से अंदर चल के देखते हैं कि मैं इसको कितने रुपए में बाय कर सकता हूँ। अब बाय का ऑप्शन जो है वो अंदर साइड पे ही आ रहे हैं ना, वेट चल के देखते हैं एक बार अंदर, वहीं पे जाके पता लगेगा। एंट्री जो है वो इसकी काफ़ी बेकार सी हुई है यार। ओके, सो यहाँ पे बाय हाउस कॉइन, यहाँ पे 1000 क्या है, चलो इसको बाय करके देखते हैं। ओ भाई ये तो यार काफ़ी गलत सीन है भाई, 1000 कॉइन चाहिए हमको इसके लिए। ओके, वो प्राइवेट जोन है, मैं वहाँ पे नहीं जा सकता, अगर मैं वहाँ पे चला गया तो मैं सेकंड फ्लोर पे चला जाऊँगा, बट उसके लिए सबसे पहले भाई मुझे बोल मतलब कॉइन की जरूरत है यार, गोल्ड कॉइन। हाँ मैं गोल्ड कॉइन कहाँ से लेके आऊँ, मेरे पास नॉर्मल कॉइन बहुत सारे हैं बट गोल्ड कॉइन का भाई कुछ ज़्यादा पता नहीं है कि गोल्ड कॉइन मैं कहाँ से लेके आऊँ। ओके, सो मैं अभी सिटी में आ चुका हूँ और अभी बैक करते हैं यहाँ से, थोड़ा सा एक बार व्यू जो है वो पीछे का ले लेता हूँ। और यहाँ पे जो वाइब आती है ना वो काफ़ी अच्छी आती है, तो काम करते हैं यहाँ पे सामने साइड पे एक लाल कलर की गाड़ी है तो है, तो हम वहीं पे जाने वाले हैं। ओके, मुझे आप समझ आया है, मैंने यहाँ पे ना ऑफ रोड टायर पुआ रखे थे, दैट्स व्हाई ये वाली गाड़ी ज़्यादा स्लिप कर रही थी। अब ऐसा हो सकता है या नहीं इसका मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, बट अभी हम जब जल्दी से इस वाली गाड़ी को इधर से निकालते हैं और सामने एक गाड़ी है, कोशिश करते हैं कि इसको रेस के लिए इनवाइट करते हैं। आई होप सो कि ये रेस लगाएगा। नहीं, ओके चलो अभी देखते हैं कि इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। वैसे थार को देख के तो भाई बिल्कुल भी हाँ नहीं बोलेगा, बस वही है कि इतने इतना टाइम लगा दिया तो ना ही बोलेगा। अरे भाई थार होके बेइज्जती करवा रही है भाई ये। ओके, अब चढ़िए देखो, अब थोड़ा ज़्यादा ही हवा में आ गई भाई ये। ओके, सो गाइस जरा भी देखो, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है बट एक भी बंदा राजी नहीं हो रहा है रेस लगाने के लिए। अब आई डोंट नो यार ये क्या कर भाई, गेम खेलने आ रहे हैं तो कम से कम रेस तो लगा लो यार एक। और वैसे एक बात था भाई, गाड़ी को ना इधर उधर चलाने में ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बट हाँ मैंने इसको ठोक ठोक के ना इसको इंजन है ना वो डैमेज कर दिया भाई। और हाँ अभी मान भी सकते, मैंने इसको चैलेंज भेज तो दिया वो वाली गाड़ी को, अब वो एक्सेप्ट करेगी या नहीं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ये सामने गाड़ी क्या कर रही है भाई? ओके वेट, ओके अभी नहीं, या तो वो वाला बंदा भाई रेस कैंसिल कर दे या फिर भाई वो रेस लगा ले।
नहीं तो मैं इसको भाई रेस इनवाइट इनवाइट के लिए मैं इसको बुलाऊंगा। अभी कहाँ पे गया वाला बंदा पता नहीं भाई, इसके यहाँ वो रेस लेके चला गया भाई, मतलब इनवाइट लेके चला गया बट पता नहीं कहाँ पे गया यार। और इनवाइट उसने ना ही रिजेक्ट किया है ना ही एक्सेप्ट किया है, और मैं किसी दूसरे बंदे को भी इनवाइट के लिए नहीं बुला सकता भाई। ओके अभी आया है इनवाइट का ऑप्शन, तो अभी आ जा भाई, तू आ जा भाई, तू ज़्यादा ही खतरनाक बंदा लग रहा है। वो आ गया स्प्रिंट भाई, मैंने ये ट्रैक वाली लगाई है इतनी। अब मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है भैंस की आँख में, पता नहीं कहाँ पे आ जाता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। ओए वेट, ओके लेट्स गो, चलो अभी जो अपनी रेस है वो स्टार्ट होने वाली है, लेट्स गो गाइस। मुझे नहीं समझ आया कि मुझे जाना कहाँ पे एक्चुअली। अरे क्या हो गया भाई, पहले तो तू मुड़ नहीं रही थी और अब ऐसे कैसे चलेगा। चलो वैसे देखा जाए तो पिछले वाला बंदा बहुत बेकार है भाई, क्योंकि तो अभी रेस पे ना ज़्यादा फोकस करते अपना। और मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ, बट मुझे इतना पता है कि मैं सीधे रास्ते पे जा रहा हूँ बस। हवाई डोनो मेरे साथ क्या होगा, यहाँ पे ना लिख रखा है कि तुमको ना दो चेक पॉइंट जो है वो इकट्ठे करने हैं। अब वो चेक पॉइंट क्या है वो मुझे नहीं पता, और मुझे ये भी लग रहा है कि यार उसने नॉर्मली 500 मीटर की रेस लगाई है तो उस पर तो चलो कोई बात नहीं, सॉरी 500 नहीं 5000। ओके सॉरी, हम यहाँ से चलते जा रहे हैं। अब आई डोंट नो मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, बट इतना पता है कि चल रहा हूँ भाई मैं। ओके रास्ता आया, इसका मतलब मैं सही जा रहा हूँ। ओके उसने मुझे बता दिया ना, तो दैट्स व्हाई मैं सही जा रहा हूँ। हाँ ये ठीक है भाई। ओके वो देखो सामने एरो का निशान आ रहा है कि हाँ मुझे अभी यहाँ से थोड़ा वो फिनिश लाइन आ चुकी है। ओके तो ये दूसरा वो है भाई, हमको यहाँ पे दो वो करने पड़ेंगे कंप्लीट लैप्स। पहला तो मैंने वो कर लिया, मतलब इसमें ना दो राउंड लगाने पड़ेंगे। सो फर्स्ट मेरा हो चुका है और अभी सेकंड लगा रहा हूँ मैं, और बावजूद इसके कि जो मेरी गाड़ी का इंजन है वो डैमेज हो चुका है, अभी मैंने इसको रिपेयर बिल्कुल भी नहीं करवाया है। अगर मैं इसको रिपेयर करवा लूँगा तो आउट ऑफ कंट्रोल भाई गाड़ी, क्योंकि इसमें जो टर्बो लगा है ना वो काफ़ी हाई लेवल का है। और पहले मैं गाड़ी ये काफ़ी अच्छी चला लेता था, बट वही है यार इसकी प्रैक्टिस चाहिए रहती है, क्योंकि इसका जो स्टेयरिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है मुझे। है अच्छा है बट पता नहीं क्यों ऐसी अजीब सी फीलिंग आ रही है कि हाँ भाई गाड़ी की जो सेंसिटिविटी है मतलब स्टेयरिंग की वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे चली गई है। चलो कोई बात नहीं, और गेम मुझे थोड़ा बहुत ना बदला भी लग रहा है। अरे ये सब वहम की बात है छोड़ो, अब एक काम करते हैं ये वाली रेस को ना फिनिश करते हैं, लेट्स गो। एंडिंग जो है वो सामने अपनी दिखाई दे रही है, वेट ज़्यादा उछल कूद नहीं करने का, लेट्स गो। ओके अपना जो फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया, यस। चलो गाइस यार अपनी जो रेस है वो कंप्लीट हो चुकी है और फाइनली तुम्हारा भाई जीत चुका है। सो चलो गाइस यार आज की इस गेम प्ले वीडियो में बस इतना ही, आई होप सो कि आज की गेम प्ले वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और हमको ना एक वो मिला है क्या, मैंने देखा भी नहीं यार, मुझे शायद 5 लाख रुपए मिले हैं। चलो कोई बात नहीं छोड़ो भाई, भैंस के आगे जाने दो। गाड़ी की हालत देख सकते हो भाई काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, एक बार मैं आपको आगे लेके जाता हूँ, ये देखो गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है। सो चलो गाइस यार आज की इस गेम प्ले वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली गेम प्ले वीडियो में। आई होप सो कि आज की गेम प्ले वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। अगर आपको गेम प्ले वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज दैट लाइक बटन, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब प्लीज से कर लेना। सो चलो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।